एवरी वन आज जो प्रेजेंटेशन मैं लेके आई हूँ वो रिलेटेड टू है कि क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए एक सिविल सर्वेंट के कई बार एग्जाम्पल क्वेश्चन डायरेक्ट डेफिनेशंस आ जाती हैं आर एस के मेन्स एग्जाम में कि पार्टनरशिप समझाइए मेनली सिक्स जो मेन एट्रीब्यूट्स uh, होते हैं सिविल सर्वेंट के वो मैंने इस प्रेजेंटेशन में कवर किए हैं डायरेक्ट डेफिनेशन आ सकती है या फिर uh, इस तरह से ट्वेंटी एटीन में क्वेश्चन आया था कि व्हाट डू यू थिंक अ सिविल सर्वेंट विल कंसिस्ट ऑफ तो डैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पब्लिक हेल्थ रिलेटेड भी है ये और एथिक्स से भी रिलेटेड है सो लेट इस स्टार्ट नाउ मैंने इसको एथिक्स से रिलेटेड माना है इस प्रेजेंटेशन में और लेट्स स्टार्ट नाउ देखिए सबसे पहले जो एक सिविल सर्वेंट में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए फर्स्ट है एज्यूम रेस्पांसिबिलिटी रेस्पॉन्सबिलिटी का मीन्स ये है कि अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो एज अ सिविल सर्वेंट को उसके कोड ऑफ़ कंडक्ट से मिलती है लॉज से मिलती है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं ना कहीं एथिक्स भी जुड़ जाती है कि आप खुद भी किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं देन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक सिविल सर्वेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा निभानी चाहिए एबिलिटी टू डील विद प्रॉब्लम्स मीन्स टू से किसी भी तरह की कंडीशन आए क्योंकि अपनी डाइवर्स सोसाइटी है तो उसमें प्रॉब्लम्स को डील करने की अभी एक बहुत अच्छा उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए एक सिविल सर्वेंट में टीम वर्क दैट इज़ मोर देन इनफ टीम वर्क एक सिविल सर्वेंट होता है वो नीचे से जो स्टार्ट uh, होता है एक फोर्थ uh, क्लास से लेकर ऊपर फोर्थ क्लास होता है ऊपर उनके नीचे जो सीनियर्स uh, जूनियर्स सब के साथ मिलके जो काम कर सके डैट इज़ ए गुड सिविल सर्वेंट गुड लिस्नर ये आप जानते हैं डील विद द प्रॉब्लम्स वो सेकेंड पॉइंट हो चुका है गुड इनिशिएटर डैट मीनस अब आप देख सकते हैं जैसे कोरोना uh, जब स्टार्ट uh, हुआ तो कहीं ना कहीं जो अपना भीलवाड़ा मॉडल है उसमें इनिशिएट किया सिविल सर्वेंट ने देन ओनली जो उसका नाम है उस मॉडल का नाम है वो पूरे इंडिया में उस चीज़ को फॉलोअप किया जा रहा है तो एक इनिशिएट अगर आप अच्छा करते हैं तो सिविल सर्वेंट के एट्रीब्यूट्स ये सब होते हैं अब इनमें से कुछ क्वालिटीज़ जो मैंने सिक्स ली हैं उसमें नंबर वन आता है इंट्रीगिटी इंट्रीगिटी एक बहुत वास्ट टॉपिक है काफ़ी लोग इंट्रीगिटी को कंपेयर कर देते हैं बींग ऑनेस्ट से मीन्स टू से वो कहते हैं कि अगर कोई ऑनेस्ट पर्सन है तो वो इंट्रीगिटी उसमें इंट्रीगिटी भी होगी बट इंट्रीग्रिटी इज़ अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू ऑनेस्टी ऑनेस्टी और इंट्रीग्रिटी में डिफरेंस आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे डेफिनेशन जो लिखी गई है इट मीन्स कंसिस्टेंटली यहाँ ये यह जो वर्ड है कभी कभी क्या होता है जब मेंस में अपन लिखते हैं तो अपन ये सोचते हैं कि यार अपने तो जो डेफिनेशन है उसको बिल्कुल प्रॉपरली लिखा था देन ओनली देन आल्सो व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द मार्क्स द रीज़न इज़ दैट वी मिस सम वर्ड्स लाइक दिस इट मीन्स कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली यहाँ एक मेन वर्ड है कैसी भी सिचुएशन आ जाए चाहे आपके सामने फैमिली मेम्बर्स हों चाहे आपके सामने आपके सीनियर्स हों आप ओपन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में बिहेव करते हैं आपके एथिक्स और वैल्यूज़ को आप किसी से पारशलिटी नहीं करते हैं और अपने बिहेवियर में हमेशा कंसिस्टेंट बिहेवियर दिखाते हैं डैट इज़ इंट्रीग्रिटी इट इज़ द क्वालिटी ऑफ बींग ऑनेस्ट आई डोंट आई एग्री विद इट बट द क्वालिटी ऑफ बींग ऑनेस्ट इज कंसिस्टेंट इन इट्स बिहेवियर इट इज़ ओपन इट इज़ फेयर इट इज़ ट्रांसपेरेंट डेट इज़ इंटरीग्रिटी इंटरीग्रिटी के एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं नेवर यूज योर पोजेशन टू बेनिफिट एनी ग्रुप इफ़ यू आर ए मुस्लिम देन यू कॉन्ट बेनिफिट योर सोसाइटी इफ यू आर हिंदू देन डोंट बेनिफिट योर ग्रुप स्टैंड फॉम ईच एंड एवरी कंडीशन यू विल फॉलो योर एथिक्स एंड योर वैल्यूज ऑनेस्ट फ्रैंक एडवाइस डैट मीन्स आप अपने सीनियर्स को अपनी जो ऑनेस्ट फ्रैंक एडवाइस है वो दें करेज एंड कन्वेक्शन टू स्टैंड बाय राइट डिसीजन कुछ भी हो जाए आप सच का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो मेनटेन ए गुड सेंस एंड प्रोपैरिटी दैट्स द एग्जाम्पल अब सबसे बड़ी बात आती है कि भाई हम इसको अचीव कैसे करें गवर्नमेंट ने लेगस्लेशन एंड रेगुलेशन बनाए हैं कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है पॉलिटिकल लीडरशिप विद मॉरल एंड पॉलिटिकल करेज दिस इज़ द थर्ड पॉइंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर पॉलिटिकली जो लीडरशिप है उसमें अगर मॉरलिटी और पॉलिटिकल करेज होगा तो डेफिनेटली द सिविल सर्वेंट ऑल्सो वॉन्ट टू अचीव इट्स इंटिग्रिटी इन इट्स सर्विस प्रोफेशनलिज्म अमॉन्ग ऑफिशल्स अगर आप किसी भी पोस्ट पे हैं सिविल सर्वेंट हैं या फिर आप एक नॉर्मल आईटी वर्कर हैं अगर आप ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सर्विस में इवन इफ यू आर इन प्राइवेट देयर ऑल्सो इफ यू आर डूइंग योर वर्क विद इंटिग्रिटी डेट विल डेफिनेटली हेल्प यू सोसाइटी सोसाइटी प्लेज अ मेजर रोल इन डेथ सोसाइटी के रूल्स हैं सोसाइटी के रेगूलेशन हैं अगर वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी स्ट्रांग होंगे पॉलिटिकल रिलीजस सोशल तो इंटरीगिटी को फॉलो करने में एक इंडिविजुअल को एक सिविल सर्वेंट को या इंडिविजुअल की जैसे मैंने बात की उसको प्रॉब्लम नहीं होगी तो इंटरीगिटी एक ऐसा वर्ड है कहीं भी फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर एन इंटरव्यू इफ़ यू यूज़ दिस वर्ड दैट व्हाट यू आप अपने में कौन सी क्वालिटी देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि इंट्रिग्रिटी वन ऑफ दैम डेट आई वॉन्ट टू फॉलो इट न सेकेंड इज इम्पार्शियलिटी इम पारशियलिटी को आप डिवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं पार्शियल वर्ड निकल के आता है और इसका मीन्स भी यही है इट मीन्स एक्टिंग सोनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स ऑफ द केस एंड सर्विंग द गवर्मेंट ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड जनरल पब्लिक इक्वली वेल एंड इन द सेम स्पिरिट मीन्स टू से हम हम इसको हाफ हाफ करके समझते हैं मीन्स टू से कि जो मेरिट है उस केस का उसी बेसिस पे आप सोली आप अपना जो आपका वर्क है वो उस पर ही बेस्ड रखें और गवर्नमेंट और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सबको आप एक तरह से ही सर्व करें ये नहीं कि आप किसी पॉलिटिकल आप में न्यूट्रलिटी ही नहीं रहे जनरल पब्लिक को इक्वली माने ये नहीं है कि आप पब्लिक के साथ भेदभाव करें अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट सेक्स रिलीजन आप उनमें चेंजेस नहीं करेंगे इसमें एक बहुत अच्छा वर्ड आता है पॉलिटिकल पैटर्नेज का जो मैंने लिया है पॉलिटिकल पैटर्नेज क्या होता है कि आप बेनिफिट करते हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों बिकॉज इन एक्सचेंज पॉलिटिकल सपोर्ट आपको मिल सके फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्वेंट में जो मैं मेन एग्ज़ैम्पल देना चाहूँगी ट्रांसफर्स का जो ट्रांसफर्स का जो मेनली होता है तो पॉलिटिकल पेट्रोनेज से एक सिविल सर्वेंट को हमेशा बचना चाहिए नेक्स्ट इज़ द पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वहाँ हमने पढ़ा इससे पहले इमपारशलिटी पार्टनरशिप मेनली एक्ट ऑफ सपोर्टिंग अ पार्टी पर्सन और अ कॉज पॉलिटिकल पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पे आप पॉलिटिकली किसी को सपोर्ट करते हैं तो एज अ सिविल सर्वेंट आपको नहीं करना चाहिए पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए एक सिविल सर्वेंट में मेनली पॉलिटिकल पार्टनरशिप अब अपने ये जो वर्ड्स पढ़े इनकी क्या सिग्निफिकेंस है अगर आप इम्पार्शल रहोगे नॉन पार्टनरशिप अगर आपके अंदर होगी तो आप उससे क्या कर सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी पूछा जा सकता है या मेन्स के अंदर बहुत अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं उसमें एकदम से आप किसी चीज़ को नहीं सोच सकते हो सिविल सर्वेंट की क्या क्वालिटीज़ है जिसके इस पार्टनरशिप के कारण वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट लाइक दिस अपलाइड क्वेश्चन गया तो उसमें आप कह सकते हो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो हैं वो एविडेंस बेस्ड होंगे ये नहीं होगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता है उससे वो बेनिफिट हो रहा है तो इसलिए वो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम उस अकॉर्डिंग फॉलोअप करें ये चीज़ एक कहीं ना कहीं बंद होगी अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट में बढ़ेगी एक जो पार्लियामेंट है जिसके अंदर सारी पॉलिसीज़ और सारे प्रोग्राम्स जो डिस्कस किए जाते हैं अगर इम्पार्शल वर्क हो रहा होगा तो एक जो नेता होगा उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोई इशू नहीं होगा कोई जो कहते हैं कि भाई इंटरेस्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं इसमें ख़त्म हो जाएगा डिलीवरिंग सर्विसेज इन इफ़ेक्टिव मैनर जब आप किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए काम नहीं करेंगे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो वर्क एकदम ट्रू होगा और वो अपनी सर्विसेज इफेक्टिव मैनर में डिलीवर करेगा मैनेजिंग रिसोर्स एंड प्रोग्राम्स करप्शन कम होगा और इफ़ेक्टिवली जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी थर्ड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी कहा जाता है कि न्यूट्रल रहो न्यूट्रल रहो वॉट डज इट मीन्स पोलिटिकली न्यूट्रलिटी इट मीनस सिविल सर्वेंट्स केव फ्री एडवाइस टू गवर्नमेंट इम पार्शली एंड विदाउट एनी पॉलिटिकल कंसिड्रेशन अगर किसी इसका मैं इस तरह से एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है तो ये हो सकता है कि सिविल सर्वेंट का गाँव उस एरिया में से निकलता हो ठीक है तो वो अपने गांव को प्रॉफिट देने के लिए ये नहीं है कि उस रोड को उस एरिया में से निकाल दे या किसी पॉलिटिकल पैटर्नेज को प्राप्त करने के लिए वो किसी पॉलिटिकल नेता को ये एडवाइस करे कि आप इधर से निकाल लीजिए इससे आपकी बहुत बेनिफिट होंगे फ्री एडवाइस देनी होगी आपको गवर्नमेंट को इम विदाउट एनी पॉलिटिकल कंसिड्रेशन पब्लिक कॉन्फिडेंस Obviously, public confidence will increase that the work is doing in the right manner. That's why the political neutrality will help you. Maximize the public interest. It will definitely maximize it because the every policy, every program will be done in the favor of public only. Trust among ministers. Obviously, the trust level of civil servant between the ministers will increase a very much higher level. Fourth, objectivity. ना विद दिस एग्जाम्पल ओनली यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंपल वे ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी क्या कह रहा है दीज आर द मैंगोव दीज आर दरेंजेस आई एम सॉरी एंड सब्जेक्टिविटी आई लव ऑरेंजेस मीन्स टू से ही ऑब्जेक्टिविटी में क्लियर कट एग्जे समझ में आ रहा है येस और नो टाइप कि ये ऑरेंजेस हैं सब्जेक्टिविटी में वो उस ऑरेंजेस की बात अपने जो इमोशंस अपने जो बिलीफ्स हैं उनसे बाइस जो होके वो कह रहे हैं आई लव मैंगोज़ आई लव ऑरेंजेस आई थिंक मैंगोवज़ आई एम सींग इट अगेन एंड अगेन आई एम रेरी सॉरी द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी डिसीजनस एंड एक्शंस आर बेज इन ऑब्जर्वरल फिनोमिना एंड शुड नॉट बी इन्फ्लुंसड बाई इमोशंस बायसेस और पर्सनल प्रिज मीन्स टू से जो मैंने समझाया कि आपका जो डिसीजन है आपको ये काम करना है पब्लिक इंटरेस्ट में यस yes, मुझे करना है उसमें कहीं भी ये बात नहीं आती है कि आपके इमोशंस बैरे यार मैं तो थक जाऊंगा इस काम को करते हुए इमोशंस बायसनेस पर्सनल प्रिजस किसी भी वर्क में नहीं आनी चाहिए किसी भी डिसीजन में नहीं आनी चाहिए इफ़ वर्क को करना है तो या तो उसमें येस yes होगा या उसमें नो no होगा ऑब्जेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिविल सर्वेंट्स काफ़ी सारे डायवर्स टॉपिक्स होते हैं वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी समझ में नहीं आती बिकॉज कहीं ना कहीं वो हाँ इमोशंस फैमिली uh, इशू अगर बाई चांस किसी सिविल सर्वेंट के पास आ जाता है तो वो कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाता है सब्जेक्टिविटी अपने नेचर में रखता है तो उसको वो ख़त्म करनी चाहिए और सिंपल डिसीजंस डिसीजनस लिखना चाहिए कि लॉ में क्या लिखा हुआ है कि इस तरह से वह कह तो इसी तरह से होगा उसमें ये नहीं चाहिए अरे यार ये तो मेरे फैमिली मेम्बर है तो मुझे इन्हें छोड़ देना चाहिए नहीं इफ़ इट इज़ देयर देन यू हैव टू फॉलो योर रूल्स एंड रेगुलेशन्स नाउ द फिफ्थ इज एम्पैथी एम्पैथी वर्ड बहुत बार सुना गया है पर हर बंदा इसमें कंफ्यूज रहता है एम्पैथी एंड सिंपैथी एस और ई e का डिफरेंस है और ई e और एस से आप ऐसे समझ सकते हैं सिंपैथी फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल देती हूँ अगर कोई uh, सामने कोई एक बिखारी है ठीक है और uh, वो कह रहा है कि वो भूखा है ठीक है नाउ इफ़ वी थिंक लाइक डैट कि हम सोचते हैं कि अरे यार कितना कितना गरीब है कितना दुखी है ये ओके दैट मीन्स यू हैव सिम्पैथी विद हिम आप उसके दुख में हो हाँ भाई बट एम्पैथी इज़ डैट आप उस दुख को अपन अपने मतलब उसका जो शू है वो आप उस शू को पहन के उस दर्द को समझो मीन्स टू से आप खुद फील करो कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे कैसा फील होता अगर सिविल सर्वेंट्स पब्लिक को इस नज़रिए से देखने लग जाए तो आधी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो सकती हैं एबिलिटी टू इमेजिन वन सेल्फ इन अनदर्स प्लेस एंड अंडरस्टैंड द अदर्स फीलिंग्स डिज़ायर एंड आइडियाज़ एंड एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है एबिलिटी टू इमेजिन वन सेल्फ इन अनदर्स प्लेस आप खुद को उस जगह रख के देखो देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड इट अब इसमें कौन सी बातें आती हैं इसको समझ सकते हैं अपन एक्टिव लिसनिंग स्किल बॉडी एंड लैंग्वेज पिकअप सिग्नल्स एंड सिम्पैथी एंड एम्पैथी में मैंने आपको डिफरेंट समझा ही दिया पिकअप सिग्नल्स आप समझो बात को कि वो क्या कहना चाह रहा है जब भी तो आप उसको अपनी जगह रख पाओगे बॉडी और लैंग्वेज और एक्टिव लिसनिंग स्किल्स सुन पाओगे देन ओनली नाउ द नाओ इज टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है टॉलरेंस का मीन्स यहाँ पे वो नहीं है कि आप किसी को टॉलरेट कर रहे हो नो डाउट यहाँ पर यह है कि आप रेस्पेक्ट एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन जो आप दे रहे हो वो डाइवर्स होना चाहिए आपका ये नहीं है कि आप रेस्पेक्ट सिर्फ अपने रिलीजन को कर रहे हो आप रिस्पेक्ट दूसरे के रिलीजन को करो दूसरे के कल्चर को करो उसकी संस्कृति को भी अपनाओ क्योंकि सिविल सर्वेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं होता है वो पूरी हर कम्युनिटी के लिए होता है तो टॉलरेंट होना होगा आपको आपके नेचर में जिससे क्या होगा रूल ऑफ लॉ फॉलो होगा हार्मनी आएगी डेमोक्रेसी रहेगी अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन राइट्स जो हैं किसी भी ह्यूमन के सिविल सर्वेंट आसानी से फॉलोअप कर पाएगा अगर वो टॉलरेंट होगा उसके आइडियाज़ उसके व्यूज उसके प्रिंसिपल्स पे ओके सो डैट्स इट दिस इज़ द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट दिस इज़ अ शॉर्ट पीपीटी दैट आई हैव मेड फॉर ऑल ऑफ़ यू इफ यू लाइक दैट जस्ट क्लिक ऑन लाइक बटन लाइक पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स को भी इस चैनल के बारे में बताइए और कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहिए तो मैं उन टॉपिक्स को लेकर इस आ, और वीडियोस बनाने की आ, कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए एंड डेफिनेटली नाउ द इंटरव्यू ऑफ आर एस इज़ गोइंग टू बी हेल्प सो आई जस्ट वॉन्ट यू डैट यू पीपल आर फेसिंग एनी ट्रावल रिलेटेड टू इंटरव्यू तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में तो डेफिनेटली आई विल मे द स्लाइस फॉर ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच इट्स रियरी नाइस गिविंग दिस टोटल टॉपिक टू यू थैंक यू सो मच बाय बाय